अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैंने जब लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी, व्लॉग बनाया था, उसमें मैंने आपको लव बर्ड्स के एग दिखाए थे। उन्होंने एग दिए, 3 एग दिए थे। तो उसके बाद एक और दिया था, 4 हो गए थे। और उसके बाद मैंने फिर व्लॉग नहीं बनाया और अब व्लॉग बना रहा हूँ। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगले व्लॉग का लाजमी इंतज़ार करना। उम्मीद है कि आपने इंतज़ार भी किया होगा और आपने सोचा होगा कि क्या सरप्राइज़ है अगले व्लॉग में। तो वो मैं आपको बताता हूँ। मैं एक कुछ दिन पहले मैं अपने फार्म पर था, मैंने आपको फार्म भी दिखाया हुआ है उस पर था। तो वहाँ मुझे एक ना कैट नज़र आई, छोटी सी बेबी था उसकी। मैं ये पिक भी लगा रहा हूँ। वो जा रही थी चल के, पता नहीं कहाँ से आई हुई थी। फार्म पर वैसे तो नहीं आती, लेकिन वहाँ पर आई हुई थी। तो किसी की शायद गुम गई थी, पता नहीं क्या, लेकिन जा रही थी। तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा अब इसको मैं पालूंगा और इसकी देखभाल करूंगा। और इसको मैं, वैसे भी मुझे कैट मैंने सोचा था रखनी है, तो मुझे मिल गई। तो मैं वो कैट लेके आया था, मैंने सोचा था आपको सरप्राइज़ दिखाऊंगा ये। तो आपको भी दिखाता हूँ। उससे पहले आप चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल को प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फैमिली मेम्बर से। तो दोस्तों ये है हमारा सरप्राइज़। तो ये इसके लंबे बाल तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी है। उनसे पर्शियन से भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ काफ़ी अच्छी कैट है, क्योंकि इसकी कुछ हरकतें हैं जो खेलती है ऐसे। और उसके अलावा ये पेशाब वगैरह भी नहीं करती घर में, और ना ही किसी बर्तन वगैरह में मुँह शूँ मारती है। इसलिए मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी और मैंने रख ली है। तो माशाल्लाह ये मेरे साथ खेलती भी है। इसको हमने पहले दिन की भी आपने पिक देख ली होगी, और अब देख लें माशाल्लाह कितनी बड़ी हुई हुई है। तो ये सारा दिन ये खेलती रहती है हमारे साथ, और काफ़ी माशाल्लाह दिल भी इसका लगाया हुआ है। इसको मैं नीचे उतारता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये देख सकते हैं माशाल्लाह, देख सकते हैं माशाल्लाह इसकी हरकतें हैं ना, जो उससे ज़्यादा इस पर लाड आते हैं। काफ़ी ये क्यूट सी है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। और देख सकते हैं पर्शियन कैट का काफ़ी मुझे शौक़ भी था, लेकिन वो मैंने इसलिए नहीं रखी क्योंकि उनके ना काफ़ी बाल से गिरते हैं, जिनकी वजह से ना वो मुझे तो बहुत ही गुस्सा चढ़ता हूँ ये देख के। जब उनके बाल गिरते हैं ना तो मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्लेफुल है, सब सब सारा दिन खेलती रहती है। तो ये था आज का हमारा सरप्राइज़। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको भी पसंद आया होगा। ये देख सकते हैं काफ़ी प्लेफुल भी है और क्यूट भी है। तो ये तो होगी हमारी कैट की बात, यानी हमने आपको सरप्राइज़ बता दिया। ये था आज का हमारा सरप्राइज़। इसके अलावा हमारे जो लव बर्ड्स हैं उनका आप सुन लें, वो अगले व्लॉग में आपने लाजमी देखना है। इंशाल्लाह आपको व्लॉग भी बना के शेयर करूँगा। उसके अलावा बता दूँ, उन्होंने हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी दे दिए हैं, यानी कि निकाल लिए हैं। तो उन्होंने 4 एग दिए थे, जिनमें से 4 के 4 ही अल्हम्दुलिल्लाह बेबीज़ आए हैं, और काफ़ी माशाल्लाह प्रोग्रेस उनकी अच्छी चल रही है। तो उसके अलावा एक और लवर्स का पेयर है जो मैंने आपको दिखाया था। तो मैं एक नया लेके आया था ब्लैक मूव का, यानी कि ब्लैक कलर का लवर्स था। उसके साथ एक और फिशर की फीमेल लग गई जो ग्रीन कलर की होती है। तो उन्होंने भी एग दे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी आपको दिखाऊंगा। अगला व्लॉग आपने लाजमी देखना है, वो भी इंशाल्लाह फुल मज़े का होगा। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। तो मुझे तो अच्छा लगा ये, मैंने सोचा आपको बना के दिखाऊं कि हमारे पास जो कैट है काफ़ी माशाल्लाह अच्छी, और जैसी मुझे चाहिए थी वैसी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो पसंद आए लाइक करके, शेयर करके अपने दोस्तों से, फ्रेंड्स से, फैमिली मेम्बर से। तो सब्सक्राइब लाजमी कर देना हमारे चैनल को अगर न्यू है तो, अगर किया हुआ है तो सब्सक्राइब भी कर रखना, अनसब्सक्राइब ना कर जाना। तो ये था आज का हमारा व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा। जल्द अपने भाई को अल्लाह हाफिज़।